जय जनेन भैया जी। हमने फोटो बता देंगे। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं? आ रही है भैया जी, आ रही है। चलिए ठीक है। आज आपने विसर्ग संधि खोल दी है। विसर्ग संधि आपके सामने खुली हुई है, जो प्रारंभ होती है। आज मैंने एक और पीडीएफ फाइल भेजी थी भैया जी, आप सबने को मिल गई होगी। हाँ मिली है, बोलते मिल गई ना? शायद वही वाली खोली है क्या ये? हाँ ये वही है, ये रूपमाला रूपमाला आपने जो भेजी वाली वही है। ठीक, अब विसर्ग संधि आपके सामने चालू हो रही है। विसर्ग साके स्थान पर होने वाला जो आदेश होता है उसको विसर्ग कहते हैं, विसर्जनीय कहते हैं। और विसर्ग संधि सीखने के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। जो लोग भी जुड़े हुए हैं उन लोगों से निवेदन है कि 95वें नंबर का सूत्र जो आपके सामने खुला हुआ है उसके पूर्व जो 94 नंबर के सूत्र में स्थिति है उसको दर्शाना है। 94 नंबर का सूत्र, 94 नंबर का सूत्र, बस इसमें कुछ भी नहीं है। कोई 93 आप चलिए आगे, चलिए 94 के बाद चलिए। और ऊपर चलिए, और भैया जी ऊपर, इसके ऊपर 95 के ऊपर नहीं है कुछ। ये बस ये कहा चरती और कहा छाद्यती, ये आपके सामने स्थिति दिख रही है। का धन चरती और का धन छाद्यती, अगर आप मेरा साथ देंगे तो आप मेरे साथ में ही इस विसर्जनीय संधि को सीख जाएंगे। आप अपनी कॉपी पे लिखिए जैसा यहाँ लिखा हुआ है, आपको बीच में धन का चिन्ह लगाना है। का धन चरती, लिखिए का धन चरती। दूसरे नंबर पे लिखिए का धन छाद्यति। तीसरे नंबर पे लिखिए, जो अगला चैप्टर आएगा वो इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो आपको मेरा साथ देना है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, विसर्ग है, विसर्ग है का के सामने जो विसर्ग है
वो मूलतः दंत सा के स्थान पर आदेश हुआ है। तो यहाँ पर विसर्ग को अब जो भी आदेश होगा वो सामने वाले को देखकर होगा, परंतु विसर्ग जब भी बनेगा तो सा के स्थान पर होगा, वही आदेश विसर्ग होगा। आगे 130 नंबर का सूत्र आएगा, रेप सोर विसर्जनिया, अर्थात रा और सा के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है। रेप सोर विसर्जनिया, रा और सा के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है। ये 130 नंबर का सूत्र है और 130 नंबर के सूत्र से ही यहाँ पर का धन के सामने जो दो बिंदियां हैं मूलतः दंत सा जो सी विभक्ति आती है, और इस चैप्टर के बाद में वही प्रकरण प्रारंभ होगा। तो जो सी विभक्ति आई थी उस सी विभक्ति के को 130 नंबर के सूत्र से सा का विसर्ग हो गया है, ये अनुबंध लोप अपने आप हो जाता है। दूसरी स्थिति हमारे सामने है का धन छाद्यति, ये विसर्जनीय संधि बहुत सरल है, आप लोगों को सहजता में समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर विसर्ग के सामने चा और छा, ध्यान रखेंगे विसर्ग के सामने चा और छा ये दोनों वर्ण अघोष हैं। पे वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर अघोष कहलाता है, तो वर्ग विसर्ग के सामने अघोष वर्ण। अब अघोष वर्ण में कौन सा, तो कहते चा और छा। अब ध्यान रखना है आपको इनके बोलने का स्थान, जो बोलने का स्थान चा है वही तालब्य सा का भी बोलने का स्थान वही है, और ता और था का जो बोलने का स्थान है वही दंत सा का बोलने का स्थान है। ता और ठा का जो बोलने का स्थान है वही मूर्धन्य सा का बोलने का स्थान है। तो एक बार में मैं आपको तीन सूत्र एक साथ पढ़ा दूंगा, यानी कि विसर्ग के सामने चा और छा हो तो इनका उच्चारण स्थान मिलाकर अगला जो सूत्र आएगा 95 नंबर का, उस सूत्र के माध्यम से विसर्ग को तालब्य सा हो जाएगा, और विसर्ग को तालब्य सा होगा। फिर उसके बाद में अगर टा और था है तो विसर्ग को दंत सा होगा, और टा और ठा है तो विसर्ग को मूर्धन्य सा होगा। ये तीनों सूत्र अभी क्रम से आपके सामने आ रहे हैं। पहले नंबर पर है कह धन चरती और का धन छाद्यति, इनको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। अब आपके सामने अगला सूत्र आता है 95 नंबर का, विसर्जनियस चे छे वासम, विसर्जनियस चे छे वासम। सूत्र बहुत सरल है, सूत्र में ही अर्थ छुपा हुआ है। चा और छा के होने पर विसर्ग के सामने चा और छा के होने पर विसर्ग को सम अर्थात तालब्य सा हो जाता है, और तालब्य सा होने पर अभी आपने अपनी कॉपी पे लिखा था का धन चरती, अभी सूत्र के बाद में लिखा है कस चरती। ये कस चर्ची को भी हाईलाइट कर दीजिए भैया जय, हाँ ये, और कस छाद्यति को भी, कस छाद्यति। अब देखिए यहाँ पर पहले स्थिति आपको जो कॉपी में मैंने लिखाई थी वो कॉपी में रहने वाली स्थिति थी कह धन चरती, और यहाँ पर कह धन छाद्यति ऐसी स्थिति थी, और ये सूत्र लगा विसर्जनियस चे छे वासम, विसर्ग के सामने चा या छाके आने पर सम माने तालब्य सा आदेश होता है। तो इस सूत्र से ये हो गया। अब देखिए सूत्र आपके सामने दिख रहा होगा विसर्जनियस, तो ये पहले लिखा था विसर्जनिया ऐसा इसका उच्चारण करेंगे, संधि तोड़ेंगे तो विसर्जनिया, और उसके सामने चे है, तो इसी सूत्र से जो सूत्र पढ़ रहे हैं उसी सूत्र से विसर्ग को सा हो गया है, तो उच्चारण करेंगे विसर्जनियस। ये देखिए यही ये सा पहले विसर्ग था, और विसर्ग के सामने चा होने पर इस विसर्ग को विसर्जनियस, इसी सूत्र से ऊपर सही चल रहा है, विसर्जनियस चे छे वासम, विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाता है, सम सा आदेश होता है चा और छा के परे रहने पर।
तो इस सूत्र में जो दृष्टांत दिया हुआ है उस सूत्र में यही लगेगा। ऊपर का सूत्र जो है विसर्जनियस विसर्जनिया चे छे, विसर्ग के सामने चा और छा के आने पर सम आदेश होता है। तो यहाँ पर जो सा हो गया है वो पूर्व में विसर्ग था, उसी को सा आदेश हो गया है। तो कस चरती और कस छाद्यति यह प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब अगला सूत्र आ रहा है का धन टीकते, इसको हाईलाइट कीजिए पहले ऊपर ही ऊपर ही भैया जी। हाँ जी, का धन टीकते का धन ठकारे ने, इसको हाईलाइट कीजिए। ये देखिए यहाँ पर वही वाली स्थिति यहाँ पर है, पहले थी का धन चरती, अब यहाँ पर है का धन टीकते, पहले था का धन छाद्यति, यहाँ पर है का धन ठकारेण, अर्थात विसर्ग के सामने टा और ठाके होने पर, पहले चा और छाके होने पर सा आदेश किया था, अब टा और ठाके होने पर मूर्धन्य सकार आदेश करने के लिए अगला सूत्र आपके बीच में आएगा, कॉपी पर लिखते जाइए। का धन टीकते का धन ठकारेण, अब यहाँ पर विसर्ग के सामने टा और ठा आया है, तो अगला सूत्र जो आपके सामने आ रहा है टे ठे वासम, टे ठे वासम, पूर्व की अनिवृत्ति इसमें आएगी विसर्जनियस, टे ठे वासम विसर्ग के स्थान पर सम मूर्धन्य सा आदेश होता है टा और ठा के परे होने पर। तो यहाँ पर कष्टीकते कष्टकारेण ये दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। कष्टीकते कष्टकारेण, इसको हाईलाइट कीजिए भैया जी। ठे वासम कष्टीकते कष्टकारेण, अभी आपको मैंने कच्ची स्थिति दिखाई थी का धन टीकते और का धन ठकारेण, तो यहाँ पर विसर्ग जो था उस विसर्ग को टा और ठाके आने पर मूर्धन्य आदेश होता है। मूर्धन्य आदेश आपने किया तो कष्टकारेण यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ये दोनों सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे, कष्टीकते कष्टकारेण। अब अगली स्थिति है का धन तरती, इसको हाईलाइट कीजिए। का धन तरती का धन छुदती, ये देखिए अभी अगले सूत्र के लिए अनुवृत्ति आएगी। यहाँ पर हमारे सामने स्थिति क्या है, कहा विसर्ग है और विसर्ग के सामने तरती का ये ता है और छुदती का था है, तो ता और था के होने पर अगला सूत्र लगेगा ते थे वासम, ते थे वासम, अगला सूत्र आ जाएगा ते थे वासम, ये आ गया सूत्र देखिए ते थे वासम, ये 95-96-57 नंबर है ना, ता और ठाके होने पर, ता और ठाके होने पर सम अर्थात दंत आदेश, दंत सकार आदेश होता है। कस्तरती कष्टुदती, यहाँ पर हाईलाइट कर दीजिए, कस्तरती कष्टुदती अर्थात विसर्ग के सामने ता और ठाके होने पर, सरल सूत्र है ते थे वासम, ता और ठाके होने पर सम अर्थात दंत सा आदेश आदि होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर कष्टरती और कष्टुदती, अब तीनों सूत्रों को पुनः रिवीजन करते हैं। 95 नंबर का सूत्र आया था, आप अपनी कॉपी पर चेक करते जाइए, 6 शब्द अपने कॉपी पर लिखिए, कहा धन विसर्ग, फिर उसके बाद में चरती, फिर कहा विसर्ग छाद्यति ही, कहा धन टीकते, कहा धन ठकारेण, फिर कहा तरती और कहा ठुदती, ये शब्द आपने लिखे। अब विसर्ग के सामने एक दो शब्दों में चा और छा है,
दो में टा और ठा है, तीसरे में दो में ता और था है। तो क्रम से सामने वाले को अक्षर देखना है। ये विसर्जनीय संधि एक बार अगर दिमाग में आपने बैठा ली तो आप इसके पारंगत हो जाएंगे। और बहुत संधि इसी संधि में मिलेगी आपको, जहां भी सा मिलेगा आपको बीच में लिखा हुआ। वैसे तो वो दंत सा से ही विसर्ग बनता है, लेकिन सामने वाले को अक्षर को देखकर यदि चा और छा होंगे तो बीच में हमेशा तालब सा मिलेगा, टा और ठा होगा तो हमेशा मूर्धन्य सा मिलेगा, और ता और था होगा तो हमेशा दंत सा मिलेगा। ये 93, 95, 96, 57 नंबर के सूत्र अपने को याद और स्मरण रखना चाहिए। 95 नंबर का सूत्र है विसर्जनियस चे छे वासम, विसर्जनियस चे छे वासम। और 96 नंबर का सूत्र है ते ठे वासम, और 97 नंबर का सूत्र है ते थे वासम। ये तीनों सूत्र ही सब काम करते हैं। अब आपके सामने अगली स्थिति है कह करोति, कह करोति और का खनति। ये दो स्थितियां आपके सामने आ गई हैं। अब यद्यपि करोति और खनति ये दोनों अघोष हैं, लेकिन आप पीछे पढ़ के आया का इति उपदमानिया, का पा इति उपदमानिया, का इति जीवामूलिया। ये यही इसी को समझाने की भाषा में आई है बात, कि विसर्ग के सामने जो अर्ध विसर्ग होता है, का के सामने अर्ध विसर्ग और सामने का खा के होने पर क्या आदेश होता था, तो जीवामूली उपदमानिया होता था। अब आपके सामने यहाँ पर स्थिति है का धन करोति और का धन खनति। अब यहाँ पर क्या करना है, अगला सूत्र आपके सामने आता है 98 नंबर का सूत्र। जय देखिए, ये पहले 98 नंबर का सूत्र है कखयोर जीवा मूल्यम नवः, विसर्ग के सामने का और खा के होने पर वो विसर्ग को जीवा मूल्य नवम होता भी है और नहीं होता है, अर्थात विसर्ग का अर्ध विसर्ग होता है अथवा विसर्ग ही रहता है, ऐसा जानना चाहिए। परंतु अर्ध विसर्ग का प्रयोग जैन दर्शन में नहीं मिलता, जैन साहित्य में भी आधा विसर्ग नहीं मिलेगा, पर नियमानुसार आधे विसर्ग को करना चाहिए का और खा सामने हो तो। कखियोर जीवा मूल्यम, का और खा के पड़े रहने पर विसर्ग को अर्ध सदर्श विसर्ग आदेश हो जाता है। अभी एक सूत्र और आएगा, उसके बाद में अगला सूत्र आपको काम करके दिखाएगा। पा और फा के लिए फिर अगला सूत्र आ रहा है, ये देखिए पफियो रुफद मानियम नवा। पा और फा के होने पर अर्थात विसर्ग के सामने पा और फा होने पर विसर्ग को अर्ध विसर्गनीय अर्थात विसर्ग सदर्श अर्थात उपदमानीय आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर ऊपर वाले सूत्र से जीवामूली किया और यहाँ पर उसका नाम उपदमानीय किया, लेकिन उपदमानियों का प्रयोग जैन दर्शन के ग्रंथों में नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर दोनों विकल्प से करते हैं, होता भी है और नहीं होता। तो यहाँ पर अर्ध विसर्ग का प्रयोग जैन दर्शन में नहीं होता है, इसलिए दर्शाया भी नहीं गया है, केवल कह पचती ही कह फलती जैसा है वैसा का वैसा ही दिखाया गया है। ये अपने को ध्यान रखना है, ऐसे कह पचती कह फलती ये ऐसा कही ऐसा है। ये देखिए कह करोती और कह करोती दो प्रकार के रूप बने हुए हैं। तो ये का के सामने अर्ध विसर्ग सदर्श था, लेकिन आधे विसर्ग की लिपि हो नहीं पाती है, आ नहीं पाती है, और लिखने में भी बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए यहाँ पर उसको तो उपयोग नहीं किया है। लेकिन ये जगह जो खाली है, वास्तव में ये जगह खाली नहीं है, यहाँ पर आधे विसर्ग जैसे पीछे चिन्ह बताया था ना, वैसे ही आधे विसर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन बटनों में लिपि में वो नहीं आता है, या फिर उसको अलग से अंग्रेजी के बनाकर रखने पड़ते हैं, तो उससे
फिर लेटर चेंज हो जाता है तो पीडीएफ वाली फाइल बनने में या नेगेटिव बनने में बड़ी कठिनाई जाती है, जो अभी तक होती रही। इसलिए यहाँ पर अर्ध विसर्ग था वो आधा विसर्ग यहाँ पर नहीं है, पर करना है तो करिए, नहीं तो का करोती ऐसा भी प्रयोग रहता है। ऐसे ही का खनती, यहाँ पर भी आधा विसर्ग था जो इसमें लिपि में नहीं आया है। फिर का खनती, यहाँ पर विसर्ग जैसा था वैसा का वैसा ही आदेश हो जाएगा। ऐसे ही का पचती और का फलती, ये स्थिति आने पर अगला सूत्र है पपयो रुपदमानियम नवा, अर्थात पार फाके पड़े होने पर विसर्ग को उपदमानीय आदेश होता है। उपदमानी का मतलब यही है कि आधा विसर्ग, अर्थात कह पचती एक ही प्रयोग दिखाया गया है, का फलती एक ही प्रयोग दिखाया गया है, दूसरा ऊपर की तरह बिना विसर्ग के रहता नहीं है, आधा विसर्ग आना चाहिए था, वो आधा विसर्ग की लिपि नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका एक ही प्रयोग दर्शाया गया है। वैसे इसके दो प्रयोग होना चाहिए थे। इसमें अपने को कुछ नहीं करना है, जैसा था वैसा ही रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो 95, 96, 97 हो गए, 98, 99, 100, एक सूत्र बीच में छूट रहा है। हाँ देखिए, 99 नंबर का सूत्र है, ये विशेष सूत्र यही बता रहा है जीवा मूल्य उपदमानियो च। पीछे आपने पढ़ा था 25 नंबर का सूत्र, उसी का ये छोटा भाई है। 25 नंबर का सूत्र था व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, अर्थात व्यंजन स्वर रहित व्यंजन जो होता है तो परवर्ण को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ये भी कह रहे हैं जीवा मूल्य उपदमानियो च, ये व्यंजन मस्वरम परवर्णम सूत्र की पूरी अनुवृत्ति लेके आ रहा है कि जीवा मूल्य और उपदमानीय परवर्ण को प्राप्त होते हैं। परवर्ण को प्राप्त होने का मतलब है आगे जो करोति, आगे जो खनति, ये जो है उसको प्राप्त होकर उसके ऊपर बैठेगा, तो ये लिपि में नहीं आ पाता है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर सूत्र है जीवा मूल्य उपदमानीय ऊंचा, जैसे व्यंजन मस्वरम परवर्णम नहीं लगता था, ऐसे ये कहता है जीवा मूली और उपदमानीय परवर्ण को प्राप्त होते हैं, माने सामने वाले को अपने पास बुला लेते, तो उसके ऊपर आधा विसर्ग बैठा है, कैसे बैठा ला जाए, तो लिपि नहीं हो पाती है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। क्योंकि जैन दर्शन के ग्रंथों में जीवा मूली और उपदमानीय विकल्प रूप में है, इसलिए विकल्प वाला रूप नहीं आता है, केवल विसर्ग वाला ही देखने को आता है, जैसा लिखा हुआ है कह करोति, कह खनति, कह पचति और कह फलति, ऐसा का ऐसा ही रूप है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उपदमानी और जीवामूली संज्ञा करके जीवामूली और उपदमानी को विकल्प से होता है, तो उसकी लिपि आते विसर्ग के सदृश लिखा जाता है, उसको जीवामूली और उपदमानीय कहते हैं। अब अगली स्थिति हमारे बीच में आ रही है, 100 नंबर के सूत्र में टीका में कुछ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। बस ये देखिए लिखा हुआ है का धन चिसा वित्ति आचष्टे, इसको अलग अलग करके आप अपनी कॉपी पे लिखना चाहे तो लिख लीजिए, का धन चिसौ इति आचष्टे, इसके पहले वाला भी का धन चिसौ पुरुषा धन तिसरु यता धन क्षमा तता धन प्यासी अप्रसाती। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, समझना आप एक एक शब्दों को, आप अपनी कॉपी पर लिखिए, पहला एक शब्द लिखेंगे बाकी का आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कहा विसर्ग लिखिए, चिसा चिसो इसमें संधि हो गई है तो हमें पूरे शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल चा और सा ये दो ही शब्द लिखे जा सकते हैं। कहा धन आधा चा और सा, ऐसे ही कहा धन तिसा और ऐसे ही पुरुषा धन तिस रुका तथा धन क्षमा
और तथा धन प्यास प्रसाती। अब अपने को ये ध्यान रखना है, ऊपर अपने सामने सबसे पहला सूत्र आया था विसर्जनीयस चे छे वासम, तो यहाँ विसर्ग के सामने चा है। अब दूसरा सूत्र आया था टे ठे वासम, तो यहाँ विसर्ग के सामने टा है। फिर तीसरा सूत्र आया था ते थे वासम, तो यहाँ विसर्ग के सामने ता है। फिर चौथा सूत्र आया था जीवा मूल्य पद्मानी जीव कहा पद्मानी, तो यहाँ पर का जीवा मूल्य आया था ना, तो यथा क्षमा, यहाँ क्षमा में का और मूर्धन्य सा है, ध्यान रखेंगे दो अक्षर है तो यहाँ पर का की मुख्यता है। फिर तथा धन प्रसाति, यहाँ पर विसर्ग के सामने पा है, अर्थात जो पांच सूत्र अभी ऊपर लगे हैं उन्हीं पांच सूत्रों से संबंधित चर्चा हमारे बीच में है। एक बार पुनः पुनः देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है का धन चिसा, इतना पढ़ना है, वैसे इसका सही उच्चारण करेंगे तो का धन चिसौ इति आ चष्टे, ऐसा आप लिखिए, अलग अलग जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा लिखने की कोशिश कीजिए, का धन चिसौ इति आ चष्टे, का धन चिसौ इति आ चष्टे, आपके तो यहां पर जो लिखा हुआ है उसको यहां पर पूर्व में जो सूत्र था विसर्जनीयस चे छे वासम, उस सूत्र की यहाँ प्राप्ति थी। फिर दूसरा था कहा टिसौ टेठे वा सूत्र की प्राप्ति थी। फिर आता है पुरुषा धन तसरु कहा, यहाँ पर तेठे वा सम सूत्र की प्राप्ति थी। और यता क्षमा में कोई जीवा मूल्य वाले की प्राप्ति थी। और तथा प्रसाति में जयी उपदमानी की प्राप्ति थी। ये पांचों सूत्रों की एक साथ प्राप्ति होने पर अब अपने को ये देखना है कि चा के बाद कौन है, तो चा के बाद सा है। फिर टा के बाद क्या है, तो यहाँ भी सा है। फिर ता के साथ क्या है, सा। का के बाद मूर्धन्य सा और पा के साथ सा, तो केवल वही है। लेकिन अंतर इतना आ रहा है कि पहले सामान चर्चा करी थी कि चे छे टे ठे ते थे का खा खके और जीवा मूल्यम पफे और उपद्मान्यम, ऐसा कहा था। लेकिन अगला सूत्र कह रहे ना साधीन सस्ते, अर्थात चा छा चा छा टा ठा टा था का पा फा, इन शब्दों के बाद यदि साधीन सा तीनों सा में से कोई भी सा हो, जिसके साथ जिसकी ट्यूनिंग बैठती है, जिसके साथ जिसका उच्चारण स्थान है, ऐसे तीनों सा में से कोई भी अक्षर हो तो कहते हैं ना, अर्थात नहीं आदेश होता है। माने जो आदेश पूर्व में पांच सूत्रों के माध्यम से कहे हैं वो कोई भी आदेश नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो जैसी स्थिति थी वैसी की वैसी आ गई, ये निषेध सूत्र है। माने जो काम ऊपर कहे जाने थे वे काम नहीं होंगे, ऐसा जानना चाहिए। तो ना साधीन सस्ते सा सा सा, ये तीनों सा जिन चा छा टा ठा ता था का खा पा और फा में स्थित हो तो ना साधीन सा सा माने तीनों सा आदि आदेश नहीं होते हैं। तो जैसी स्थिति थी वैसी की वैसी स्थिति बन जाएगी। का धन चिसौ इति आचष्टे, का धन चिसौ इति आचष्टे, पुरुषः तिसरुकः यता क्षमः ततः पिशाति। माने इस सूत्र में कुछ भी काम नहीं किया। अब अपने को ये ध्यान रखना है विसर्ग के स्थान पर कोई भी सा होगा तो आपको देखना है कि दंत सा हुआ है कि तालब्य सा हुआ है कि मूर्धन्य सा हुआ है, तो वहां पर 95, 96, 57 नंबर का सूत्र ही लगा है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नई स्थिति आ रही है का स्योतति, केवल का स्योतति को हाईलाइट कीजिए, इसी को ही
बाकी सब नॉर्मल कर दीजिए। हाँ देखिए, कहा धन स्त्योतति, अब यहाँ पर उल्टा हो गया है। विसर्ग तो जैसे है वैसे ही है, काह के सामने विसर्ग है, लेकिन सा के पहले सा आ गया है, चा के पहले सा आ गया है। अब यहां ध्यान रखेंगे, सा सा सा, ये तीनों सा 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 यहाँ पर हो तो ऐसे स्थान है, ऐसे स्थान पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो का के सामने जो दो बिंदियां हैं, जो दो विसर्ग हैं, उन विसर्ग का अगले सूत्र के माध्यम से लोप होगा। ऐसे तीनों जगह की स्थिति समझ लेना, लेकिन नियम क्या है, विसर्ग हो और विसर्ग के सामने कोई भी सा हो और वो सा के बाद चा छा टा ठा ता था आदि हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अर्थात जो 10 वर्ण माने प्रथम और द्वितीय वर्ण पहले जो बताए थे, उन्हीं वर्णों पे के पहले यदि सा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, होता भी है और नहीं होता। और जब नहीं होगा तो क्या होगा वो अगला सूत्र बताएगा। इसकी आगे की लाइन को भी हाईलाइट कीजिए, ये देखिए, का धन स्तुवती, का धन स्तोति, ये तीन प्रयोग हमारे सामने है, क्योंकि तो तीन का ही प्रयोग ज्यादा होता है, जीवा मूल्य और उपदमानी का नहीं होता है, इसलिए उसके दृष्टांत भी आपके बीच में नहीं रखे हैं। तो तीनों जो आपने 95 नंबर का सूत्र विसर्जनियस चेचे वासम और टेठे वासम तेथे वासम जो काम किए थे, यहाँ पर उसकी उल्टी व्यवस्था बना दी है कि विसर्ग के सामने सा है, सा के बाद में फिर अघोष है, फिर विसर्ग के सामने सा है, फिर अघोष है। तो ऐसी स्थिति के होने पर अगला सूत्र आपके बीच में आ रहा है, बड़ा अच्छा सूत्र है और इस सूत्र का अर्थ अच्छे अक्षरों से नहीं बनता, इसलिए आप बड़े ध्यान से सूत्र का अर्थ देखिए और समझाने की कोशिश करेंगे। ये सूत्र को आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए हमारी मेहनत पढ़ाने की सार्थक हो गई, और जो सम्यक श्रुत पीठ के माध्यम से आपको सेवाएं दे रहे हैं हमारे अरुण भैया जी, श्रेयस भैया जी, सुबोध भैया जी, जो भी आप तक माँ जिनवाणी को पहुंचा रहे हैं, उनको पहुंचाने की सार्थकता हो जाएगी। ये सूत्र जो आपके बीच में है, मैं बार बार समझाऊंगा और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आए तो समझने की कोशिश आप पूछ कर सकते हैं। सूत्र में ही सब कुछ छिपा हुआ है। अघोषस्थेषु, अघोष में स्थित, अघोष माने वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, अघोषस्थेषु, अघोष में स्थित कौन वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो तो उनके स सेषु माने जो साढ़ साढ़ सा तीनों सा हो, अघोष के पहले क्या हो तीनों प्रकार के सा हो तो वा लोपम विकल्प से लोप हो जाता है। किसका? विसर्ग का, विसर्जनीय का, क्योंकि ये विसर्जनीय संधि चल रही है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप होने पर क्या बनेगा, अभी रूप प्रयोग नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि ये विकल्प से लगता है, परिभाषा दे दी उन्होंने, विकल्पे त्रिरूपम, दो प्रकार का विकल्प है। अब दूसरा विकल्प कौन सा है, 103 नंबर का सूत्र आपके बीच में आ रहा है, उसको पहले दिखाएंगे फिर आगे की चर्चा करेंगे। से वा वा पर रूपम, अब आपने देखा होगा कि विसर्ग के सामने क्या था, तो विसर्ग के सामने आधा सा फिर चा था, विसर्ग के सामने मूर्धन्य सा और टा था, विसर्ग के सामने दंत सा और ता था। ऐसी स्थिति पर यह सूत्र कहता है से वा वा पर रूपम, अर्थात विसर्ग के सामने कोई सा भी सा हो, तालव्य सा हो, मूर्धन्य सा हो या दंत सा हो, तो विसर्ग को विकल्प से पर रूप होता है, अर्थात सामने वाला सा हो जाता है। ये दो विकल्प हो गए, उभय विकल्प हो गए,
एक पहले वाला विकल्प था वो विसर्ग का लोप करता था, होता भी है और नहीं। फिर ये सूत्र कहता है से वा वा पर रूपम, माने विसर्ग को सा 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 आदेश हो जाते हैं। ऐसे दो प्रकार के विकल्प होने पर तीन प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब तीन प्रयोग कौन से सिद्ध होते हैं, इसके पूर्व की सूत्र की भूमिका, चलिए 102 नंबर के सूत्र की भूमिका पर चलिए भैया जी। और ऊपर थोड़ा सा बस, अब देखिए यहां पर यहां से हाईलाइट करिए, कस इच्छोतति से, कस इच्छोतति, यहां से हाँ और ले जाइए तीन तक, बस और ले जाइए, और ले जाइए आगे, हाँ और ले जाइए, कस यहां तक, एक और नीचे, दो और है, दो और नीचे, बस एक और, एक और, बस बस। देखिए यहाँ पर प्रत्येक के तीन तीन रूप बने हुए हैं। पहला रूप कौन सा बना है, पहला है कस्योतति, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है, विसर्ग था, विसर्ग का लोप हो गया। फिर दूसरे नंबर पर सा बैठा हुआ है, दो सा हो गए, 103 नंबर का सूत्र से वा वा पर रूपम यहाँ पर है, और यहाँ पर कुछ नहीं होगा। 130 नंबर का सूत्र भी कहता है विकल्प से होगा, तो विकल्प से होगा तो जैसा विसर्ग था वैसा का वैसा ही रूप बनेगा, कास्योतति। ये तीन प्रकार के रूप हो गए। इसी प्रकार यही व्यवस्था था में जानना चाहिए, कहते कष्टीवती, कष्टीवती ये दो सा है इसमें, और कहा इष्टीवती, यहाँ पर तीनों प्रकार के रूप हो गए। पहले विसर्ग का लोप हो गया तो कहा इष्टीव, का इष्टीवती, और विसर्ग का सा हो गया तो कस इष्टीवती, और विसर्ग विसर्ग ही रहेगा तो कहा इष्टीवती, ये प्रयोग बनता है। फिर अगली स्थिति में भी देखिए, का इष्टोतति, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है तो पहला रूप बन गया कस्तोतति, फिर दूसरे नंबर पर सा हो गया तो बनेगा कस स्तोतति, और तीसरे नंबर पर कुछ नहीं होगा, दो प्रकार के विकल्प हो गए तो तीसरा जैसा रूप है वैसा का वैसा ही रहेगा, का स्तोतति ही। ये ध्यान रखना, ये गो अजीनम गवाजिनम गोर इति वा प्रकृति अवासरे, ये दोनों विकल्प रूप थे। तो फिर उसके बाद में तीसरा सूत्र था एदोत्परा पदान्ते लोप मकारा, जैसे गो अजिनम गवाजिनम, ऐसे तीन प्रयोग बने थे प्रकृति भाव संधि के पूर्व, ऐसे ही यहाँ पर भी तीन तीन रूप बनेंगे। शर्त क्या है, विसर्ग के सामने सा हो और सा के बाद अघोष, अघोष क्या है चा है, अघोष क्या है था है, अघोष क्या है ता है, तो ऐसे इस प्रकार से तीन रूप बनेंगे। तीसरा सूत्र लगता है से वा वा पर रूपम, जो 103 नंबर का सूत्र आगे आने वाला है वो यहाँ पर लगकर तीन रूप बनेंगे, कस स्तोतति, पहला रूप विसर्ग का लोप, फिर कस स्त्योतति, ये दो सा वाला रूप, और जहां कुछ भी नहीं होगा वहां का स्त्योतति, ये तीसरा रूप बनेगा। अभी मैं आप सबसे पूछूंगा ये तीन प्रकार के रूप किस प्रकार से बने हैं, आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और देखकर बता सकते हैं। सबसे पहला है कस स्त्योतति, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है, सूत्र आपको बताना है किससे लोप हुआ, अघोषस्तेषु किससे हुआ देखकर बताइएगा। फिर आता है कस स्त्योतति, यहाँ पर सा हो गया है तो सा हुआ 103 नंबर के सूत्र से वा वा पर रूपम, और फिर अघोष, और फिर उसके बाद में आया है कहा इच्छोतति, यहाँ पर ना वो सस्ते सु वा लोपम लगा, ना से वा पर रूपम लगा, जैसा था वैसा का वैसा ही प्रयोग बनता है, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे की तीन प्रयोग फिर आ रहे हैं हमारे बीच में। अब यहाँ से कह सेते, इसको हाईलाइट कीजिए, कहा सेते, बस कहा सेते, कहा संडा ऊपर वाला नॉर्मल कर दीजिए,
का धन सेते का धन संडा का धन साधु। अब यहां पर भी वही स्थिति देखिए आप, विसर्ग के सामने सा है लेकिन सा के बाद अघोष नहीं है, इतना ध्यान रखना है। कहा संडा, यहाँ विसर्ग के बाद सा तो है लेकिन अघोष नहीं है। कहा धन साधु, यहाँ विसर्ग के सामने सा तो है लेकिन अघोष नहीं है। तो यहाँ पर केवल एक सूत्र जो आगे आने वाला है, 103 नंबर का सूत्र, उससे विकल्प से तीनों सा 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 पर रूप सा सा आदेश होगा भी और नहीं होगा। करना चाहे तो कर सकते और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। 103 नंबर का सूत्र आ रहा है, से वा वा पर रूपम, से वा वा पर रूपम, अर्थात विसर्ग के सामने तालब सा हो तो विसर्ग को विकल्प से तालब सा होता है, विसर्ग के सामने मूर्धन्य सा हो तो विसर्ग को विकल्प से मूर्धन्य सा होता है, विसर्ग के सामने दंत सा हो तो विसर्ग को विकल्प से दंत सा होता है। तो स्थिति बन जाती है कस सेते है और कह सेते। देखिए प्रयोग सूत्र के नीचे बने हुए हैं, कस सेते है और कह सेते। यहाँ पर विसर्ग को सा हो गया तो कस सेते बनेगा और नहीं होगा तो जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। ऐसे ही कस संडा, कह संडा, कस साधु, कह साधु, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं बस कह साधु तक। ये देखिए आप, कस साधु, कह साधु, ये प्रयोग आपके विकल्प से बनते हैं। विसर्ग के सामने दंत सा होने तालब सा होने पर तालब सा होता भी है नहीं होता, मूर्धन्य सा के होने पर मूर्धन्य सा होता भी है और नहीं होता, और दंत सा होने पर विसर्ग को सा आदेश होता भी है और नहीं होता। आज आपने जो कुछ सीखा उसका पुनः रिवीजन मैं आपके बीच में कर रहा हूँ। सूत्र आपको याद करना है, प्रयोग मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर बाद में हमारे अरुण भाई आपका साथ देंगे। सबसे पहला सूत्र हमने पढ़ा था विसर्जनीयस चे छे वासम। मैं आधा प्रश्न बोलूंगा, भैया जी स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं लेकिन दिखाना नहीं है क्योंकि इनको अपना मन का उपयोग करना है। से जो चल रहा था वही स्थिति दिखी रहने दीजिए, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ, इनका चलना चाहिए क्योंकि आप दिखा देंगे तो उनके दिमाग का उपयोग नहीं हो पाएगा। तो पहला सूत्र अपन ने पढ़ा था विसर्जनीयस चे छे वासम, तो आधा अर्थ मैं बोलूंगा, आधा अर्थ आपको अपने आप लगाना है। विसर्ग के सामने चा और छा के होने पर विसर्ग को होता है खाली स्थान। फिर दूसरा शब्द था विसर्ग के सामने टा और ठा हो तो विसर्ग को होता है टे ठे वासम खाली स्थान। फिर विसर्ग के सामने ता और था हो तो विसर्ग को होता है ते थे वासम खाली स्थान। अर्थात विसर्ग के सामने चा और छा हो तो विसर्ग को क्या होता है, विसर्ग के सामने टा और ठा हो तो विसर्ग को क्या होता है, विसर्ग के सामने ता और था हो तो विसर्ग को क्या होता है, फिर विसर्ग के सामने का और खा हो तो कखियोर जिह्वा मूल्यम, विसर्ग के सामने का और खा हो तो विसर्ग को खाली स्थान क्या होता है, फिर पपियो रुपद मानियो, पा और फा के होने पर विसर्ग के सामने पा और फा हो खाली स्थान क्या होता है, फिर जीवा मूल्य और उपदमानी क्या करते हैं किसको प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद में हमारे सामने स्थिति आई थी कि विसर्ग है, विसर्ग के सामने चा है लेकिन उसके बाद में तालब्य सा है, विसर्ग है विसर्ग के बाद है
फिर उसके बाद में मूर्धन्य सा है, फिर विसर्ग है, विसर्ग के फिर उसके बाद में दंत ता ठा चा छा, इनके बाद तीनों सा हैं। तो इनके बाद यदि तीनों सा हैं तो विसर्ग का क्या होता था? आपको पता है अघोष अस्तेषु, अघोष में स्थित, आपको बताना है कि सा है तो जो पीछे आपने पढ़े थे वो क्या होता है? तो कहते ना प्रसादीन सस सस्तेषु, इनके बाद सासा में स्थित, इनके बाद में यदि सा हो तो विसर्ग के स्थान पर जो आदेश होता था वह नहीं होता है, अर्थात जैसा है वैसा ही रहता है। ये ध्यान रखना, सामान से चा छा हो तो विसर्ग थे वासम, ते थे वासम सूत्र लगते हैं, और का विसर्ग के सामने काका हो तो कखियो जीवा मूलियम, पाफा हो तो उपदमान पफियो रूपदमानियम, और ये क्या होते हैं? पर वर्ण को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उन चा और छा के बाद यदि सा हो, ता और ठा के बाद में मूर्धन्य सा हो, ता और था के बाद में यदि दंत सा हो, तो अगस अघोषस्तेषु ससेषु लोपम, अघोषो में स्थित वो तीनों सा है तो उनका लोप हो जाता है। फिर अगला सूत्र आया था सामने सा हो और सा के बाद फिर चा और छा हो तो विसर्ग का लोप होता भी है और नहीं होता, लोप हो जाएगा तो एक सा विसर्ग गायब हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर 103 नंबर का सूत्र लगेगा से वा वा पर रूपम, और ये सूत्र भी विकल्प से लगता है तो वह विकल्प दोनों दो प्रकार का विकल्प होने पर त्रिरूप्यम, तीन रूप बन जाते हैं। तो कहा इस्योतति, कस इस्योतति और कहा इस्योतति, ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। फिर सा के बाद में चाचा चा कुछ नहीं हो, कोई और वर्ण हो तो यहाँ पर से वा वा पर रूपम, इस सूत्र के माध्यम से विसर्ग को सा आदेश होते भी हैं और नहीं होते। इस प्रकार आज आपने विसर्ग के स्थान पर होने वाला सा आदेश, विसर्ग का लोप और विसर्ग को कोई भी आदेश नहीं होता है, ऐसे तीन प्रकार की विधि को आपने आज पढ़ा है। मैं आपसे पूछूंगा विसर्ग के सामने चा और छा हो तो क्या होता है? अब आपका माइक खुल रहा है, अब आप लोग आवाज देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको दिखाया कुछ नहीं जाएगा, जो आपको दिख रहा है से वाह वाह पर रूपम यही दिखता रहेगा, और आपकी कॉपी में आपने जो कुछ भी लिखा हो, आपके पास में जो कुछ भी हो, जहां से भी आपको चोरी चपाटी करना हो आप कर सकते हैं। वैसे आप सभी त्यागी वृत्ति होंगे, भगवान महावीर के अनुयायी होंगे, तो चोरी चपाटी का काम आप नहीं करते होंगे। तो चलिए अब आपका माइक चालू हो रहा है और आप उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए, जो भी आप आज देना चाहें वो दे सकते हैं। विसर्जनियस चे वासम, विसर्ग के बाद चा और छा हो तो क्या होता है? तालबसा होता है, बहुत बढ़िया। फिर टे ठे वासम, विसर्ग के सामने टा और ठा हो तो विसर्ग को क्या होता है? मूर्धन्य सा होता है, बहुत बढ़िया। फिर ते ठे वासम, विसर्ग के सामने ता और था हो तो विसर्ग को क्या होता है? दंतसा। अब इन्हीं तीनों शर्तों के विसर्ग के सामने का और खा हो तो विसर्ग को क्या होता है? विकल्प से या तो एज इट इज रहता है, वो वैसे ही रहता है, या फिर जो विसर्ग वो पूर्व पर वर्ण है वो ऊपर चले जाता है,
उसका नाम था जीवामूली, जीवामूल्य, जीवामूल्य। हाँ उसका नाम था अर्धविसर्ग होता है। हाँ जीवामूली अर्ध विसर्ग सदर्श। हाँ और पावर भाव तो क्या होता है? उपद्मानीय, उपद्मानीय। हाँ उपद्मानीय होता है और वो उपद्मानीय और जीवामूली पर वर्ण को प्राप्त हो जाते हैं। अब चा और छा के बाद में यदि सा हो तो क्या होता है? विसर्ग के सामने चा और डबल डबल हो जाता है, विसर्ग के डबल बन जाएगा। सोच कर विसर्ग हो, विसर्ग के सामने चा हो और चा के बाद में सा हो तो क्या होता है? डबल हो जाएगा वो सा। सोच कर सा। आधा सा और पूरा सा, मतलब चा का सा हो जाएगा। परवर्ण होगा विसर्ग का, विसर्ग का लोप होगा, लोप विसर्ग का लोप हो जाता है। एक रूप होता है। फिर से पूछो ना, क्या पूछे आप? मेरा पुनः प्रश्न कीजिए ना, मेरा प्रश्न समझिए पहले, उसके बाद आराम से उत्तर दीजिए। विसर्ग हो, विसर्ग के सामने चा हो और चा के बाद में सा सा आदि हो, विसर्ग के बाद ता और ता के बाद में सा हो, विसर्ग विसर्ग के बाद में ता और ता के बाद में सा हो, तो विसर्ग को क्या होता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। हाँ लोप होता भी है और नहीं होता, वो उसी रूप रहेगा, कुछ आदेश नहीं होगा। हाँ विसर्ग का लोप हो जाता है और नहीं होगा, है ना? दोनों ये चीज। तो विसर्ग का लोप ही होता है कि नहीं होता? एक ही रूप बनेगा कि दो रूप बनेंगे? दो रूप बनेंगे। दो रूप तो मैंने बताया नहीं है, एक ही रूप बनेगा। नहीं नहीं एक ही रूप आपने बताया अभी, क्या बोलते, वो आदेश नहीं होगा। हाँ नहीं आदेश नहीं होगा, लोप हो जाएगा। वो आदेश नहीं होगा। हाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा। हाँ ना साधीन सस सस्ते, अर्थात विसर्ग के सामने चा छा हो और उनके सामने सा सा आदि आदेश हो तो विसर्ग को कुछ भी आदेश नहीं होगा। ठीक है? जैसा है वैसा हाँ। ही रहेगा। अब इसको उल्टा करते हैं, विसर्ग हो और विसर्ग के सामने तीनों सा में से कोई एक अक्षर हो और उसके बाद में चा छा टा ठा ता था पापा आदि हो तो क्या होता है? विसर्ग की तीन विधि बनेगी, तीन विधि बनेगी है, तीन विधि बनेगी। तीन रूप बनेगी, पहले ये बनेगी कि विसर्ग का लोप कर देंगे, विसर्ग का लोप कर देंगे 102 नंबर का सूत्र से, और दूसरी विधि रहेगी कि उसका द्वित्व कर देंगे। द्वित्व नहीं करेंगे, मतलब विसर्ग जो विसर्ग है ना उसको श कर देंगे, मतलब जो उसके परे श आ रहा है उसको। हाँ हाँ और तीसरा विकल्प तीसरा रहेगा वो एज इट इज रहेगा, विसर्ग एज इट इज रहेगा, वैसा ही रहेगा। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग पास हो गए आज की कक्षा में। तो पुनः भैया जी मेरा एक प्रश्न है जी, करिए। हाँ भैया जी, आपने 103 नंबर के सूत्र में बोला था कि विसर्ग के परे श हो और श के परे कोई भी अघोष नहीं हो तो विसर्ग पर रूप श आदि आदेश होता है विकल्प से। हाँ ठीक है, है ना, अघोष नहीं होने पर। और पर आप जब 102 नंबर का, हाँ हाँ ठीक है, 102 नंबर का सूत्र लगेगा। 102 नंबर के सूत्र में जब आप यही लगा रहे थे सूत्र, तो उसके बाद तो अघोष नहीं था, था अघोष था, तब भी अपन ने इसी प्रकार से पर रूप किया था विसर्ग को। थोड़ा समझिए, 102 नंबर का सूत्र समझिए और 103 नंबर का सूत्र समझिए। हाँ 102 नंबर का सूत्र दिखाइए भैया जी, अरुण भैया जी 102 नंबर का सूत्र दिखाइए। हेलो, सूत्र स्क्रीन पर दिखाइए 102 नंबर का। दिख गया, आ गया, अभी हमारे को नहीं आया ना, इसलिए हम कह रहे हैं हमारे को नहीं दिख रहा है। हाँ बस ये आ गया, देखिए अघोष अस्थेसु, अघोष में स्थित क्या सस सेसु, पहले सा 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 ये अघोष में स्थित हो, मैंने इनके बाद में अघोष हूँ,
का हाँ। धन स्थिति, ये पहली स्थिति है का के सामने क्या है सा, और सा के बाद क्या है हाँ। चा, ये अघोष में स्थित है, तो अघोष के स्थित हाँ। होने पर लोपम, लोप होता है विकल्प से, किसका विसर्ग का, विसर्ग का, विसर्ग का सूत्र कह रहा है अघोष में स्थित तीनों सा में से कोई भी सा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता हाँ। है हाँ। अब ये विकल्प से लगता है, होता भी है और नहीं भी होता, नहीं लगेगा तो फिर 103 नंबर का सूत्र थोड़ी लगा के हमारे पास में आ जाएगा, कहते विसर्ग हाँ। के सामने से वा वा पर रूपम, विसर्ग के सामने कोई भी एक सा होगा तो विसर्ग का पर रूप अर्थात जो वाला जो सामने सा है कोई सा आदेश हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर तीन प्रयोग दिखाए जा रहे हैं का इच्छोतति, तीन रूप का इच्छोतति, ये पहला रूप दिखाया ऊपर यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया है भैया जी, ऊपर तो दिखाइए भैया जी 102 नंबर का, ये देखिए 102 जी तो सड़का ये थोड़ा सा स्क्रीन हमारी भी एक सौ दो नंबर सूत्र दिखाइए भैया जी, चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, तो वहां पर जी आ गया, देखिए यहाँ पर देखिए कस इच्छोतति जो काला काला क्या आ गया बीच में, कहां से आ गया काला काला डिब्बा हो गया, देखिए कस इच्छोतति यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया पहला इच्छोतति, ये दूसरा रूप, और जब कुछ नहीं होगा तो कहा इच्छोतति ये तीसरा रूप बनता है, तो 102 नंबर का सूत्र लगेगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, और 103 नंबर का सूत्र लगेगा तो विसर्ग को सा हो जाएगा पर रूप हो जाएगा, और जब दोनों ही सूत्र नहीं लगेंगे तो जैसी स्थिति का इच्छोतति ये प्रयोग सिद्ध होता है, अब आप सबको समझ में आ गया होगा भैया जी, मेरा ये प्रश्न था भैया जी, हेलो हाँ भैया जी मेरा ये प्रश्न था, आपने अघोष नहीं हो तब की बात करी थी, क्या अघोष होगा तो ये 102 नंबर काम करेगा हाँ, वहां पर सामान्य नियम ये था 103 नंबर का सूत्र का कि सा 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 कोई भी तीनों सा हो तो सा विसर्ग को पर रूप होता है, अच्छा ठीक है वो समझ गए, और इसमें दो बार जो वा वा आया है उसका क्या अर्थ है, हाँ वा वा का अर्थ है एक अर्थ है अथवा सा हो अथवा सा हो अथवा सा हो, एक सा हाँ। अथवा के लिए और एक वा विकल्प के लिए, अच्छा ठीक दो बार वावा दिया है, ये जो पीस वगैरह पहनते ना टॉप के साथ है, हाँ 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 ऐसे में मिल जाएंगे भाई, ठीक है हाँ भैया जी समझ में आ गया, आज का सूत्र विषय पूरा बहुत सरल है, हाँ हाँ बढ़िया, चलिए और किसी को कोई क्वेश्चन का समाधान हो गया भैया जी, आज हो गया सबको हो गया हाँ, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, अरुण भैया जी का, सुबोध भैया जी का, सुयश भैया जी का, और प्रत्यक्ष परोक्ष ब्रह्मचारिणी दीदी, समता दीदी जो आपको हमारी अनुपस्थिति में आपको अध्ययन कराती रहती हैं, अभी शायद वो नेमावर्त में आचार्य भगवंत के श्री चरणों में, आज योग सागर जी अक्षय सागर जी के भव्य गुरु दर्शन मिलन को अवलोकन उन्होंने अपनी आंखों से किया होगा, हमने आपने केवल फोटो से दर्शन किए हैं, अगर मिलन के दर्शन के फोटो भैया जी क्लास सुन रहे हैं हम आपकी हैं, क्लास में आप हमारी क्लास में हैं ये तो मुझे मालूम है, लेकिन नेमावर में ही तो हैं, हाँ जी हाँ क्लास में तो आप हमारी में उपस्थित हैं,
आप हमारे को पढ़ रही हैं, लेकिन आचार्य श्री का, योग सागर जी, अक्षय सागर जी का लाभ आपने नेमावर में लिया है, ये हम कह रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, हाँ यही कह रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं किए हैं दर्शन, तो उनको यदि फोटो प्राप्त नहीं हुए हो तो मैं अभी ग्रुप में भेज देता हूँ, कातंत्र रूपमाला के ग्रुप में, तो आप प्रत्यक्ष परोक्ष आचार्य श्री के शिष्यों का मिलन आचार्य श्री के पास हुआ है, उसको देख सकते हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं भेज देता हूँ। भैया जी मुझे दो बात पूछनी है। दो बात पूछिए, पूछिए, पूछिए। ये दो बात, एक अर्थ विकल्प है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें 103 नंबर का सूत्र ना, वहाँ एक का मतलब अथवा और एक वाक का मतलब। अभी अभी हमने समझाया ना, उसमें दो बार वा है, सा हो अथवा सा हो अथवा सा हो, एक बार अथवा अथवा के लिए। तो अथवा और विकल्प में क्या अंतर है? अरे मेरी बहन, अथवा और विकल्प एक विसर्ग के सामने सा हो, कौन सा सा? तालब्य सा, अथवा कौन सा मूर्धन्य सा, अथवा कौन सा दंत सा हो। तो तीनों सा तो एक साथ हो नहीं सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, एक बार में एक ही रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, तो एक बार में एक जो सा लेके आए हैं, अब क्या करना है? तो दूसरा वाक कहेगा विसर्ग को पर रूप कर दीजिए, अर्थात जो सा आप लेकर आए हैं वही विसर्ग को आदेश कर दीजिए। ये अथवा विकल्प में अंतर है। अथवा का मतलब ये नहीं है कि ये करें कि वो करें, अथवा का मतलब है एक दंत सा लेके आइए। आप कहेंगे मुझे दंत सा नहीं लाना, तो कहते हैं तालब सा ले आओ। आप कहेंगे तालब सा नहीं लाना, तो कहते हैं मूर्धन्य सा ले आओ। आप कहेंगे मूर्धन्य सा भी नहीं लाओ, तो कहेंगे जिनवाणी की स्तुति करो और सो जाओ। अच्छा एक और है गुरु भैया जी, कह स्तुति है ना, तो आपने जो विसर्ग हटाया उसके बाद में एक जगह तो खाली जगह छोड़ रखी, और आगे वाले पेज पे यानी 102 नंबर के सूत्र में क के साथ में विसर्ग हटा करके जोड़ दिया दोनों को, कस्तोति। तो जोड़ना जोड़ गया है, लेकिन अलग अलग लिखा जाएगा, वो जोड़ा नहीं है, अलग अलग है। वहाँ विसर्ग का लोप हो गया, तीनों प्रयोगों में विसर्ग का लोप हो गया है। हाँ तो अलग अलग लिखा जाएगा ये, है ना? हाँ अलग अलग लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ और कोई बस, चलिए जिनवाणी की स्तुति करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को तत्वार सुत की क्लास भी लगती है, उसको मैं, आप अगर जुड़ जाएंगे तो व्याकरण का प्रैक्टिकल होता रहेगा। कितने बजे चालू है? 8:30 से चालू है, आपको लिंक भेजी गई है, कल चली थी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि वो जुड़ने वाले लोग कुछ नए नए थे, माने कातंत्र रूप वाले पढ़ने वाले एक आध थे जिन्होंने कहा प्रैक्टिकल करवाइए। तो आप सबसे निवेदन है कि आप तत्वार की क्लास में अगर बैठेंगे तो आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। और अरुण भैया, हाँ अरुण भैया जी ने कही थी कि इसकी सीडी बनवाइए, आवाज भरवाइए। अरे हमारे को आवाज भरना वगैरह नहीं आती, वो तो आप तक हम पहुंच गए वो ही बहुत है, बाकी आपके माध्यम से पहुंचेंगे तो आवाज भी भर जाएगी। अगर आप चाहें तो आप 8:30 से 9:10 तक 40 मिनट की क्लास मीटिंग व्यवस्थित हुई है, तो आप 8:30 से आप सभी तत्वार सूत्र की क्लास में भी जुड़िए, और उसमें प्रैक्टिकल भी आपका होगा, और जैन दर्शन जैन सिद्धांत की सूक्ष्म से सूक्ष्म चर्चा भी आपके बीच में होती रहेगी। जिनवाणी की स्तुति करने के लिए सभी तैयार हो जाइए। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोपालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देते हो तो, हे जिनवाणी भारती होए जपो दिन रे, जो तेरी शरण सो पावे सुखे, देव वजो अरिहंत को गुरु से बोले दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।
सभी लोगों को वंदना, जय जिनेन्द्र, यथा योग अभिवादन, क्योंकि हमारे साथ में बहुत से संयमी भी साधक जुड़े हुए हैं, तो जो संयमी साधक हमारी पढ़ाई में जुड़े हुए हैं उनको यथा योग उनकी वंदना, उनको यथा योग बहुमान और सम्मान। जो भी हमारे पाठकगण है सबको वंदना, जय जिनेन्द्र, यथा योग सबका अभिवादन, जय जिनेन्द्र, सबको वंदना, जय जिनेन्द्र, वंदना। हेलो।